नमस्कार, मैं लक्ष्मण राव। मेरी उम्र 60 वर्ष की है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया। आप में जज्बा है, जो जज्बा आप में है वही जज्बा मेरे में था। 20 वर्ष पहले अमरावती के एक टेक्सटाइल मिल में मैं मजदूरी कर रहा था। इलेक्ट्रिक सप्लाई की वजह से वो मिल बंद हो गया और मैं अपने गांव चला गया, खेती बाड़ी का काम करने लगा। लोगों ने कहा ये कुछ नहीं कर सकता है, ये वापस आ गया। लोग गांव से एक शहर जाते हैं, ये शहर से वापस आ गया। वो बात मुझे चुभने लगी। मैंने अपने 10वीं कक्षा का पास किया और सर्टिफिकेट उठाया, पिताजी से 40 रुपए लिए और शहर आ गया। शहर से भोपाल आया। भोपाल में एक भवन पर मैंने मजदूरी की, 90 रुपए कमाए। फिर दिल्ली आया, दिल्ली के बिरला मंदिर के धर्मशाला में ठहरा। काम ढूंढ रहा था पर कहीं मिल नहीं रहा था। एक वर्ष मुझे ढाबों पर बर्तन साफ करने का काम करना पड़ा। एक वर्ष मैंने भवनों पर मजदूरी की, थोड़े बहुत पैसे बने। इसी हिंदी भवन के विष्णु दिगंबर मार्ग पर एक पेड़ के नीचे बैठकर पान बीड़ी बेचने लगा। दिल में जज्बा था एक साहित्यकार बनने का। यहां से दरियागंज के दिल्ली गेट पर जाता था, संडे बाजार में कुछ पुस्तकें लेता था, जिसमें मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शेक्सपियर, कालिदास, इनके पुस्तकें पढ़ता था। 2 साल में 2 पुस्तकें लिखी, रामदास और नई दुनिया की नई कहानी। 2 पुस्तकें लेकर मैं प्रकाशक के पास गया। किसी ने कहा पैसे नहीं लगते हैं, किसी ने कहा पैसे चाहिए छापने के लिए, किसी ने कहा पेपर लगता है। एक प्रकाशक ने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, यू डोंट नो व्हाट इज द पब्लिकेशन। मैंने सोचा ये सब मैं नहीं करना चाहिए। पैसे इकट्ठे किए, 7,000 रुपए हुए और पहली पुस्तक नई दुनिया की नई कहानी प्रकाशित की। उस समय मैं पान बेचता था। लोगों को लगा ये पान वाला पुस्तकें लिखता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्पेशल करेस्पॉन्डेंट उषा राय मेरे पास आई। उन्होंने मेरे जीवन पर आर्टिकल लिखा और प्रकाशित किया। वहां से मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार मिला। 27 मई 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई। उनको कहा मैं आपके जीवन पर पुस्तक लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप लिख सकते हैं, हमारे प्रशासन पर लिखिए। मैंने एक नाटक लिखा, नाम रखा प्रधानमंत्री। उसके बाद मेरी एक एक पुस्तक प्रकाशित होती गई। मैंने 24 पुस्तकें लिखी, 12 पुस्तकें मैंने अपने आप प्रकाशित की और आज मुझे अपने पुस्तकों पर प्रति माह 10,000 रुपये रॉयल्टी मिलती है। परंतु 10,000 में घर नहीं चलता है, इसीलिए आज भी मैं इसी हिंदी भवन के साथ में पटरी पर बैठकर चाय बेचता हूँ, 500 रुपये प्रतिदिन कमाता हूँ। ये मेरा जीवन है। हमारे देश में मनुष्य का वर्गीकरण है। नेता के बच्चे नेता बन रहे हैं, मजदूरों का परिवार मजदूरी हो रहा है। जिन मजदूरों ने जिन विद्यालय का भवन बनाया है उनके बच्चे उस विद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकते। जिन मजदूरों ने जो चिकित्सालय बनाया है उस चिकित्सालय में उन मजदूरों के इलाजों का कोई प्रबंध नहीं है, क्योंकि ये विडंबना है। ये देश गांधी का है। एक विद्वान अमेरिका में गए। उस विद्वान को अमेरिका के पत्रकारों ने पूछा, अगर आपको भारत देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उस विद्वान ने कहा, मैं अपने कार्यालय के सभी क्लास वन ऑफिसर्स को लेकर सबको मैं 6 महीने के लिए खेतीबाड़ी का काम करने के लिए भेजूंगा और सबके पहले मैं फावड़ा लेके मैं सामने होऊंगा, क्योंकि उस टीम का मैं मैनेजर या मॉनिटर नहीं रहूंगा, मैं खुद अपने आप काम करूंगा। क्योंकि हमारे देश का विकास उसी खेती से है और हमारे देश के विकास के लिए जो पैसा आता है और ये क्लास वन ऑफिसर जो करोड़ों का हिसाब फाइलों में लगाते हैं वो उसी खेती से, ये हमारे देश की एक विकास की प्रगति है। पर आज हमारे देश के लोग जो गरीब है वो गरीब है। आपको पता होगा विदेश के लोग आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, चित्रपट बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिल्म तैयार करते हैं, अखबारों में छापते हैं और उसके ऊपर करोड़ों रुपए के पुरस्कार लेते हैं। पर हमारे देश की गरीबी जहां है वहीं है। आप देख रहे होंगे, आप हमारी देश की भाषा हिंदी है पर
बच्चे बूढ़े सभी कुछ अंग्रेजी भाषा के प्रति लालायित थे, अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए लालायित थे। अच्छी बात है, हर कोई अंग्रेजी समझता है। एक ग्रंथकार थे ब्रिटेन के, उनका नाम था जेसी नेस्फील्ड। जेसी नेस्फील्ड ने कहा हाउ मेनी टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में टेंस कितने प्रकार के हैं। सभी ग्रामर तीन प्रकार के लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उस जेसी नेस्फील्ड ने कहा चौदहवीं प्रकार है, उसका नाम है फ्यूचर इन द पास्ट, शुड गुड। यहाँ ही ग्रामर अधूरा रह जाता है, बच्चे सीख लेते हैं बहुत अच्छी बात है, पर आगे हम कैसे बढ़े इसको समझ नहीं पाते। आज हम किस प्रकार से विकास करें, और आप अंग्रेजी की बात करते हैं तो हमारे देश की एक महिला जो झाड़ू पोछा करती थी, एक प्रोफेसर साहब उसे लंदन ले गए और दो वर्ष वो महिला लंदन में रही। जब वहां से प्लेन में बैठकर लौटी तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही थी। उस पर मैंने एक उपन्यास लिखा पतझड़। एक लड़की ऐसी मेरे दुकान के सामने पढ़ने आती थी, फटे हुए वस्त्रों पर उसने चपरासी का काम किया, उसके बाद बीकॉम किया और वो सीए बनकर हवाई जहाज में घूम रही है। कैरेक्टर मेरे आंखों देखे होते हैं। मैंने 24 उपन्यास जो लिखे उसमें एक आदर्श अध्यापक की भी कहानी है। इस तरह से मेरा जीवन है और मैं इसी हिंदी भवन के पास मेरा पिछले 35 वर्षों का परिचय है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।